आज हम आपको सिलाई मशीन से साड़ी फॉल अटैच करना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने साड़ी फॉल को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पानी में भिगोकर रखा, उसके बाद में इसे सुखाकर हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली है। और यहाँ पर साइड से भी किनारों को इस तरह से मोड़कर हमने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। अब हम आपको फॉल को साड़ी पर अटैच करना सिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी साड़ी का रॉन्ग वाला साइड है। तो ये देखिए, इस साइड से ये राइट वाला साइड है और इस साइड से ये रॉन्ग वाला साइड है। तो रॉन्ग वाले साइड हम साड़ी फॉल लगाते हैं। अब यहाँ से हम लगभग इतनी दूरी से साड़ी फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप साड़ी फॉल यहीं से अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इतनी दूरी से इस पर साड़ी फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, साड़ी फॉल की ये जो मुड़ाई किया हुआ पार्ट है, इस तरफ से ये मुड़ाई किया हुआ है, तो इस साइड को हम साड़ी की तरफ रखेंगे और इस साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब इस तरह से हम फॉल को साड़ी पे रखेंगे यहां से, और इस तरह से रखकर हम इसके नीचे की तरफ इस पर सिलाई लगाकर इसे साड़ी से जॉइंट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ हम सीधी सिलाई ही लगाते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करके आपको इसे यहाँ से जॉइंट कर लेना है। सीधी सिलाई हम हमारा सिंपल प्रेशर फुट है उसी से लगाएंगे, और पैटर्न सिलेक्टर को हम रखेंगे ए पर, और स्टिच लेंथ हम रख रहे हैं 2.5 इंच। थ्रेड टेंशन हम रखेंगे 4 इंच। अब इसी तरह से हम साड़ी फोल को साड़ी पर नीचे की तरफ से सीधी सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। तो ये सिलाई आपको बिल्कुल इस तरह से किनारे पे लगानी है। तो ये देखिए, इसी तरह से बिल्कुल किनारे पर आपको ये स्टिच लगानी है। इस साइड से भी हम फोल्ड के इस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से हमने सिलाई लगाकर फोल को साड़ी से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से साड़ी फोल के बराबर से बिल्कुल हम साड़ी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम बाद में हाथ से ही तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से फोल के बराबर हम साड़ी पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने साड़ी पर निशान लगा लिए हैं। तो जितनी आपकी फॉल है उतनी दूरी में आप इसी तरह से पूरी साड़ी पर निशान लगा लें। ये देखिए, इसी तरह से हमने ये निशान लगा लिया है पूरी साड़ी पे, और इस तरह से हमने इसे पिनअप कर दिया है जिससे कि सिलाई लगाते समय हमारी फॉल मूव नहीं होगी इधर उधर। आप चाहें तो हाथ से भी कच्ची सिलाई कर सकते हैं जिससे कि ये फोल एक जगह फिक्स रहेगी और सिलाई लगाते समय साड़ी में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब हम साड़ी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, और जितनी साड़ी फोल हमारी बाहर की तरफ रहेगी इस निशान से साड़ी भी उतनी ही हम रखेंगे। तो जितनी ये दूरी है उतनी ही इस निशान से साड़ी के फोल्ड है, जो साड़ी का फोल्ड हमने बनाया है उतना ही चौड़ा है जितनी की हमारी साड़ी फोल्ड बाहर निकली हुई है।
तो इस तरह से आप इसे रखकर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ये साड़ी फुल हम आपको उषा जेनोम वंडर स्टिच सिलाई मशीन से अटैच करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर फुट चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसके बैक साइड में ये जो लीवर है इसे हम इस तरह से दबाएंगे जिससे कि प्रेशर फुट अलग हो जाएगा। अब हम इसमें ब्लाइंड हैम फुट अटैच करेंगे। तो फुट को हम इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर और प्रेशर फुट लिफ्टर को हम नीचे की तरफ करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये फुट है वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रेशर फुट अटैच करना बहुत ही आसान है। ये हमने फुट अटैच कर लिया है और इसमें ये है गाइड स्क्रू, तो इसे आप इस तरह से घुमाकर यहां से इसकी स्टिच की दूरी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से आप दूरी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी और इसे इस तरह से घुमाकर आप दूरी को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है गाइड, तो जब हम स्टिच लगाते हैं तो हम फैब्रिक को इसके बिल्कुल बराबर से रखते हैं। अब धागे का तनाव हम रखेंगे 4 इंच। अब पैटर्न सेलेक्ट करते समय आप इसका ध्यान रखें कि जब आप पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं तब आपकी जो नीडिल है वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। तो हैंड व्हील को घुमाकर आप इसे ऊपर की तरफ कर लें इस तरह से। अब पैटर्न सेलेक्टर पर हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे ई या एफ, जो भी आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर लें। तो हम इसे ई पर रखेंगे, तो पैटर्न सेलेक्टर पर हम इसे ई पर कर लेते हैं। स्टिच लेंथ हम रखेंगे 2.5, आप 4 तक रख सकते हैं लेकिन हम 2.5 रख रहे हैं। ये देखिए हमने इसी तरह से फोल्ड करके साड़ी को इस तरह से फुट के नीचे लगाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी हमने साड़ी फोल्ड बाहर की तरफ रखी है यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया था वहां से ये साड़ी की जो यहाँ पर फोल्ड है वो भी उतना ही चौड़ा है जितना कि हमने यहाँ पर फोल बाहर की तरफ रखी है। स्टिच लगाते समय इस तरह से ये साड़ी इस गाइड के बिल्कुल बराबर से रहनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये जो स्क्रू गाइड है इसे घुमाकर आप इसे सेट कर सकते हैं। अब हैंड व्हील को घुमाकर आप 4 से 5 स्टिच इस तरह से लगाएं और कपड़े को फुट के नीचे सेट कर लें। देखिए हैंड व्हील को हम इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर ये नीडिल ने साड़ी के कपड़े को इस तरह से कैच कर लिया यहाँ पर। तो इसका आप ध्यान रखें कि जितना ज्यादा कम साड़ी का कपड़ा नीडिल के नीचे आएगा राइट साइड में स्टिच भी उतनी ही कम दिखाई देगी। तो कम से कम कपड़ा नीडिल के नीचे आना चाहिए साड़ी का जिससे कि राइट साइड में फिनिशिंग से साड़ी फॉल अटैच हो जाए। तो जितना ज्यादा कपड़ा नीडिल के नीचे आएगा राइट साइड में सिलाई भी उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। और ये देखिए इस तरह से ये जो गाइड है ये साड़ी का कपड़ा इसके बिल्कुल बराबर से आना चाहिए। और सिलाई लगाते वक्त आप इसका भी खास ध्यान रखें कि जो साड़ी का कपड़ा है वो नीडिल के नीचे आना ही चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलाई नहीं लगेगी।
तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से स्टिच लगा ली है। तो अब हम इसे इस तरह से राइट साइड में हम आपको दिखाते हैं स्टिच किस तरह से लगी है। तो ये देखिए, ये साड़ी के राइट साइड में इस तरह से स्टिच लगी है। तो ये देखिए, जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं उसी तरह से ये बहुत ही बारीक सिलाई लगी है राइट साइड में, और जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं उसी तरह से दूर दूर ये सिलाई लगी है। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये साड़ी फुल अटैच हो गई है। ये साड़ी फुल हम आपको जॉर्जेट की साड़ी पे स्टिच करके दिखा रहे हैं। अगर आप कॉटन की साड़ी पे इसी तरह से साड़ी फुल स्टिच करते हैं तो इसे स्टिच करना और भी आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम तुरपाई करते हैं उसी तरह से बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से सिलाई आई है राइट साइड में, और इस तरह से तुरपाई की तरह ही ये दूर दूर स्टिच आई है। ये देखिए, इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से हमारी साड़ी फुल अटैच हो गई है। साड़ी फोल लगाने के लिए आप साड़ी के बिल्कुल मैचिंग के धागे का ही यूज करें, इसे सिलाई दिखाई नहीं देती है। अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद में ये फोल बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अब हमने इस पर प्रेस कर ली है, और साइड से भी हमने इस पर तुरपाई करके यहाँ पर सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो हाथ से भी तुरपाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जिस तरह से आपने सिलाई लगाई है वही सिलाई आप यहाँ तक लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साड़ी की फॉल बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो गई, और इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई झोल नहीं आया है। और इस साइड भी हमने ये हाथ से ही तुरपाई कर ली है इस तरह से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए।